अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं के न्यूज चैनल। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। हमारे नुमाइंदे महबूब चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना डेरा रहीम के हुदूद में थाना गल्ला मंडी पुलिस की कानून शिकन एसआई मुदस्सिर गफ्फार मकसूद ठुड्डी का बावर्दी और सादा कपड़ों में मलबूस 8 से 10 एहलकारों के हमरा बगैर किसी वारंट के मेहनतकश बेवा के घर पर रात की तारीकी में धावा। पुलिस मुलाजमीन बगैर वारंट के घर की दीवार फलांग कर और गेट तोड़कर दाखिल हो गए। घर में मौजूद खवातीन बच्चों को जोदोकोब किया, घर में मौजूद तमाम सामान की तोड़फोड़ की और 2 घंटों तक बच्चों और खवातीन को जोदोकोब करते रहे और जाते हुए 17 साल सुहेल और बच्ची के जहेज का कीमती सामान उठा ले गए। मुतासर बीबी का कहना है कि मेरा खामिन कुछ अरसे पहले कत्ल हो गया था, मैं मेहनत मजदूरी करती हूं और अब अपने नाबालिग बच्चों के हमरा यहां रिहाइश पजीर हूं। मुझ पर मुख्तलिफ तरीकों से जोर डाला जा रहा है कि मैं मुकदमे की पैरवी छोड़ दूं और मुझे धमकियां दी जा रही हैं कि आपको नाजायज मुकदमात में मुलव्वज़ कर दिया जाएगा। पुलिस मेरे बेटे को भी साथ ले गई है। मुतासरीन का अरबाब इख्तियार से इंसाफ की अपील।